डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने कैबिनेट ने सरकार ने उसको मंजूरी दी थी पहले, जिसको बीच में एलजी साहब के ऑब्जेक्शन था, लेकिन उसके बाद फिर उनकी भी कंफ्रेंस मिल गई थी और उसके बाद उस पर प्रोसेस शुरू हो गई थी टेंडरिंग की। आज उसका टेंडर अवार्ड कर दिया गया है, तो कैबिनेट ने उसके टेंडर अवार्ड के प्रपोजल को मंजूरी दी है। उसके लिए जो भी कंपनी आई थी उनमें से एक कंपनी जो मानकों पर खरी थी उसको 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देने की मंजूरी दे दी है। इसमें 40 सर्विसेज तो जब कैबिनेट ने प्रपोजल पास किया था उस समय ही आइडेंटिफाई कर ली गई थी और हमने ये तय किया था कि हम इसमें हर महीने में और सर्विसेज जोड़ेंगे, तो इस बीच में 30 सर्विसेज इसमें और ऐड हो गई हैं और 30 सर्विसेज और आइडेंटिफाई कर ली हैं जिन पे अभी तुरंत डिसीजन जो भी चेंजेस हैं वो कर लिया जाएगा। इस तरह से 100 सर्विसेज इसके दायरे में तुरंत आ जाएंगी और 2 महीने बाद ये स्कीम अब लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि एलजी साहब के पास जाएगा एक बार एक फिर से कन्फ्रेंस के लिए कैबिनेट के कन्फ्रेंस के बाद, और वहाँ से कन्फ्रेंस के बाद जब ये काम शुरू हो जाएगा तो थोड़े समय कंपनी को भी लगेगा अपनी सारी सिस्टम्स प्लेसिंग करने में। 2 महीना यानी कि अगस्त एंड तक दिल्ली में डोरस्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू हो जाएगी और इसमें 100 सर्विसेज शामिल हो जाएंगी।